हेलो कॉम्पिटिटर्स, वेलकम टू कॉम्पिटिटर्स क्लासेस। लैब टेक्नीशियन जो सीजी पे अब हमसे एग्जाम होने वाला है, या प्रयोगशाला परिचालक, या फिर जो सहायक शिक्षा विज्ञान प्रयोगशाला के लिए जो पोस्ट अभी आने वाले समय में एक्सपेक्टेड है, उनके लिए साइंस की हम सीरीज जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। आज इस सीरीज में मैं बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीटेड है। इसमें जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो ल्यूसेंट की बुक और घटना चक्र की बुक में दिए हुए जो पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ल्यूसेंट की बुक में जो फैक्चुअल पॉइंट्स है वो और घटना चक्र के जो क्वेश्चंस है उनको सम अप करके यहाँ पे आपके सामने मैं लेकर आ रही हूँ। तो जो लोग भी चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। एक एक करके ये सारे कुछ 14-15 क्वेश्चंस है, 14 क्वेश्चंस है, तो ये हम देखते हैं, साथ ही साथ बहुत ही शॉर्ट में इसका कंसेप्ट भी समझते हुए चलेंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि फादर ऑफ बायोलॉजी किनको बोला जाता है। तो भाई फादर ऑफ बायोलॉजी जो है वो एरिस्टोटल जिसको आप अरस्तु भी बोलते हैं, इनको ही फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, जो है ये दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाला है। टर्मिनोलॉजीज जो है वो मेरे इंग्लिश में होंगे लेकिन एक्सप्लेनेशन पूरी तरह से हिंदी में होगा, तो कहीं पर भी डाउट आता है आप लोग पूछ सकते हैं। एरिस्टोटल जो थे ये बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे, इन्होंने बायोलॉजी की डिस्कवरी की थी। बायोलॉजी एक ब्रांच है जो लिविंग थिंग्स के बारे में बताता है, जीव जंतुओं के बारे में, जिंदगी के बारे में बताता है। ये किसने बताया था? एरिस्टोटल ने बताया था। एरिस्टोटल को फादर ऑफ प्राणी विज्ञान, ठीक है, प्राणी विज्ञान के जनक या फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। किसको? एरिस्टोटल को ही। ठीक है, फिर हम बात करते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की। सबको पता है, हमने 11th 12th में 10th में पढ़ा है कि किसी भी जीव जंतु का, ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम होता है। कुछ साइंटिफिक नेम की जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि हम किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में, किसी भी द्वीप में, कॉन्टिनेंट में रहें, हमको पता होना चाहिए कि कोई भी लिविंग थिंग से, कोई भी जिंदा ऑर्गेनिज्म है उसका एक कॉमन नेम होता है जो सभी इक्वली जानते हैं। जैसे ह्यूमंस का, इंसानों का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होमो सेपियंस होता है। तो ये जो नाम है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ये किसने दिया था? क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो कैरोलस लीनियस ने दिया था। इसकी स्पेलिंग शायद मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर रही हूँ, ये मैं आपको करेक्ट करके बता दूंगी। कैरोलस लीनियस ने जो है वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। ठीक है, फिर हम बात करते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की। अब जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जो भी जिंदा जीव जंतु है उन सबको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। वो कैटेगरी कौन कौन सी थी? 5 कैटेगरीज थी। एक थी मोनेरा जिसमें बैक्टीरिया वगैरह आए थे, फिर था प्रोटिस्टा जो कि यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर के बीच में कनेक्टिंग लिंक था, मोनेरा प्रोटिस्टा, फिर फंजाई आया, फिर प्लांटे आया जिसमें सारी की सारी वनस्पतियां रखी गई थी, और फिर एनिमल किंगडम इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से 5 क्लासिफिकेशन जो है 5 लेवल का वो दिया गया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के जनक कौन थे, इनके फाउंडर कौन थे? तो आर एच विटेकर नाम के व्यक्ति ने, साइंटिस्ट ने जो है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस किया था, दिया था हमको। ठीक है, अब चौथा जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि ओनली स्नेक, कोई ऐसा सांप जो घोंसला बनाता है, नेस्ट बनाता है, जैसे चिड़िया लोग घोंसला बनाते हैं ना, वैसे कोई एक सांप है जो कि भी घोंसला बनाता है, तो वो स्नेक कौन सा है? तो किंग कोबरा। कोबरा स्नेक के बारे में सभी जानते हैं, जो किंग कोबरा है वो घोंसला बनाता है, और इसका जो साइंटिफिक नेम है किंग कोबरा का वो है नाजा। वैसे तो सब बोलते हैं भाई सांप जा, पर इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है नाजा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कि रेप्टाइल्स विथ 4 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है, रेप्टाइल्स क्या होते हैं? जैसे छिपकली हो गए, इस तरीके के जो जीव जंतु जो कि चलते हैं, इनका बहुत बड़ा किंगडम है, इनको रेप्टाइल
रेप्टाइल्स में रखा जाता है, ये एनिमल किंगडम वाले चैप्टर का पार्ट है। तो रेप्टाइल्स में जनरली तीन चैम्बर होते हैं हार्ट में, जैसे ह्यूमन के हार्ट, हम मनुष्यों के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? चार होते हैं, ठीक है। रेप्टाइल्स में कितने होते हैं? तीन होते हैं बेसिकली। लेकिन एक है ऐसा एक्सेप्शनल रेप्टाइल है जिसके पास इंसानों के जैसे चार चैम्बर हार्ट होते हैं, तो कौन सा है वो? तो हमारा प्यारा मगरमच्छ या क्रोकोडाइल, ठीक है। क्रोकोडाइल या जो मगरमच्छ है इसके पास कितने होते हैं? फोर चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, चार चैम्बर्स होते हैं इनके हार्ट में, ठीक। अब बात करते हैं क्विनिन की, छठवां क्वेश्चन, क्विनिन। क्विनिन क्या है? एक एंटी मलेरियल ड्रग है, मतलब एक ऐसी दवा है जो मलेरिया के समय हमको बचाने के लिए काम आता है, मलेरिया के पेशेंट्स को दी जाती है। तो कैसी दवा है ये? एंटी मलेरियल ड्रग है, ठीक है। मलेरिया के टाइम मलेरिया को ट्रीट करने के लिए, ठीक करने के लिए दी जाने वाली एक दवा है। तो ये जो क्विनिन है ये कहाँ से हमको मिलता है? तो एक पेड़ होता है, एक ट्री होता है जिसको शिनकोना ट्री बोलते हैं, उसी की बार्क या छाल से हमको ये मिलता है, ठीक है। किससे मिलता है? बार्क ऑफ चिनकोना ट्री, इससे हमको क्या मिलता है? क्विनिन नाम का एंटी मलेरियल ड्रग मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट पूछा हुआ क्वेश्चन स्टार मार्क, ठीक है। सॉरी, सेल की बात मैं करूं, सातवें क्वेश्चन में हम देखते हैं कि सेल, सबको पता है कि सेल क्या होता है? बेसिक यूनिट होती है लाइफ की। सब बहुत सारे सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यू मिलके अलग अलग ऑर्गन या अंग बनाते हैं, और सारे अंग मिलके एक पूरा का पूरा ह्यूमन सिस्टम बनाते हैं, एक पूरा ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है, शरीर बनाते हैं। तो ये जो सेल है इसकी खोज किसने की थी, डिस्कवरी किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने 1665 में सेल की डिस्कवरी की थी। बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है लैब टेक्नीशियन के लिए, प्रयोगशाला परिचालक के लिए, और सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला, तीनों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है, स्टार फॉर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं स्मॉलेस्ट सेल की, कि सबसे छोटा जो सेल होता है वो कौन सा होता है? तो सबसे छोटा जो सेल होता है वो माइकोप्लाज्मा गैलिसेप्टिकम होता है। ये बिल्कुल माइन्यूट प्रोटीन टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन्हीं में जो है वो सबसे छोटा सेल पाया जाता है। इसके सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है स्मॉलेस्ट सेल? माइकोप्लाज्मा गैलिसेप्टिकम, माइकोप्लाज्मा गैलिसेप्टिकम, ये सबसे छोटा सेल होता है। इसी को हम PPLO भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? PPLO, प्लीरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी बोला जाता है, ठीक। नवा क्वेश्चन देखते हैं प्लास्टिड्स के ऊपर, कि भाई ये प्लास्टिड्स क्या होते हैं? तो प्लास्टिड्स कहाँ पर पाए जाते हैं? प्लांट्स में पाए जाते हैं। पौधों को हम जब देखते हैं तो बहुत सारे उसमें कलर दिखते हैं, पत्तियां हरे कलर की दिखती है, उसका जो स्टेम होता है वो थोड़ा सा ब्राउन कलर का दिखता है, फूल या उनकी पंखुड़ियां अलग अलग रंग बिरंगी दिखती है। तो ये कलर देने वाले जो कंपाउंड्स प्लांट्स में, पौधों में प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं को हम प्लास्टिड्स बोलते हैं। तो प्लास्टिड्स कितने प्रकार के होते हैं? तो प्लास्टिड्स तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं ये हमको देखना है। पहला जो है वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ये पौधों को कौन सा कलर देता है? ग्रीन कलर देता है। दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट ये पौधों को कौन सा कलर देता है? मल्टी कलर, अलग अलग कलर देता है, ठीक है, डिफरेंट कलर्स। और तीसरा जो होता है वो होता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट ये कैसे प्लास्टिड होते हैं? ये कलरलेस होते हैं, इनमें कोई भी कलर नहीं होता, सफेद कलर के होते हैं, मतलब सफेद भी नहीं बोल सकते, कलरलेस होते हैं, कलरलेस प्लास्टिड्स। तो तीन प्रकार के प्लास्टिड्स
प्लांट में पाए जाते हैं। पहला है क्लोरोप्लास्ट जो कि ग्रीन कलर या हरा रंग देता है। दूसरा है क्रोमोप्लास्ट जो कि पंखुड़ियों को अलग अलग कलर प्रोवाइड करते हैं, प्रदान करते हैं। और तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट जो कि कलरलेस प्लास्टिड होता है, इसमें किसी भी प्रकार के कलर नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन यदि आता है कि कितने प्रकार के प्लास्टिड प्लांट्स में पाए जाते हैं, तो तीन प्रकार के हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखते चलिए। अब बात करते हैं कि सबसे कॉमन तरीके का जो डीएनए होता है जो इंसानों में पाया जाता है वो कौन सा होता है। ठीक है, तो ये जो होता है इसको बीडीएनए बोलते हैं या बीटा डीएनए बोलते हैं। और ये डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो डबल स्ट्रैंडेड होता है। कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड। इस प्रकार से दो स्ट्रैंड जो है वो डीएनए में पाए जाते हैं। तो बीटा डीएनए या बी डीएनए सबसे ज्यादा कॉमन प्रकार का पाया जाने वाला डीएनए है। अब डीएनए की बात हो गई तो आरएनए भी देख लेते हैं। अच्छा, ये डीएनए और आरएनए दोनों क्या है? तो दोनों के दोनों जेनेटिक मटेरियल है जो कि किसी भी कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करने का काम करते हैं। ठीक, तो अब आरएनए की बात करते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी यदि आप लोगों को डाउट है तो इसका मतलब होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए का नाम होता है। ठीक है, चलिए ये यहां तक कि आप लोगों को लगता है तो फिर नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए की। आरएनए क्या होता है? कुछ प्लांट्स और कुछ वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल होता है। इंसानों में आरएनए होगा कि डीएनए होगा? तो भाई इंसानों में जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो डीएनए होगा, आरएनए नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब आरएनए की बात करते हैं तो पहला टाइप का जो आरएनए होता है वो होता है आरआरएनए। अब इसमें आर क्या है? तो आर का मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए जो कि प्रोटीन फॉर्मेशन का काम करता है। आरआरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए, और इसका काम क्या है? प्रोटीन फॉर्मेशन। हमारे सेल्स में प्रोटीन बनाने का जो काम करता है वो राइबोसोम करता है, और राइबोसोमल आरएनए भी यही काम करता है। ठीक है, दूसरा जो आरएनए होता है वो होता है टीआरएनए। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफर आरएनए। इसका काम क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल्स के प्रोटीन्स के ट्रांसफर का होता है। और तीसरा जो आरएनए होता है वो क्या होता है? एमआरएनए। ये क्या काम करता है भाई? तो ये व्हाट्सएप का काम करता है, मतलब मैसेंजर का काम करता है। एम फॉर मैसेंजर आरएनए। तीन प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं, आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, और एमआरएनए जिसको हम मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन स्केलेटन, जो ह्यूमन का पूरा स्केलेटन है बॉडी का उसमें कितने बोन्स पाए जाते हैं। तो एक बात तो सबको पता है कि जो एडल्ट्स होते हैं उसमें 206 हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक है, लेकिन जो इन्फेंट्स या न्यू बॉर्न जो बच्चे होते हैं, बिल्कुल नवजात जो शिशु होते हैं, उनमें कितनी जो हड्डियां पाई जाती है? तो जो इन्फेंट्स होते हैं ना उनमें 300 बोन्स पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट स्टार मार्क क्वेश्चन। ठीक है, एडल्ट्स में 206 हड्डियां पाई जाती हैं जो वयस्क ह्यूमन होते हैं उनमें, जबकि जो बच्चे होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, उनमें 300 हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स इन, कि भाई अब डाइजेशन का प्रोसेस है वो कहां से शुरू होता है। तो डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो हमारे माउथ से, या इसी को हम बकल कैविटी बोलते हैं, या इसी को हम ओरल कैविटी भी बोलते हैं। ओरल कैविटी, यहां से जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है, और यहां पर एक एंजाइम काम करता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एंजाइम काम करता है जिसको हम क्या बोलते हैं भाई? इस एंजाइम को यहां पे लिख लेती हूं मैं, सलाइवरी
अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम जो हमारे मुंह में सिक्रीट होता है, यहां से इसकी वजह से जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो मुंह में स्टार्ट होता है, माउथ में स्टार्ट होता है। और ये किसका डाइजेशन शुरू करता है, तो स्टार्च का, जो स्टार्च जो आलू वगैरह में प्रेजेंट होता है ना, ठीक है, स्टार्च का डाइजेशन जो है वो यहां से स्टार्ट होता है, ठीक। और लास्ट जो आज का क्वेश्चन है वो हम देखते हैं पीएच ऑफ ब्लड, जो हमारा ब्लड होता है उसका पीएच कितना होता है, क्या वो एसिडिक होता है, बेसिक होता है या न्यूट्रल होता है। तो पीएच जो है ब्लड का वो क्या होगा, 7.4 होगा। अब 7 से ज्यादा है इसका मतलब क्या होगा, बेसिक या क्षारीय प्रवृत्ति का होगा, हल्का बेसिक या क्षारीय प्रवृत्ति का ये होता है क्या ब्लड। तो इतने क्वेश्चन हमने देखा, हमने कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट देखे और कुछ उनसे कनेक्टिंग क्वेश्चन देखे हैं। तो यहाँ से आपका एक कंसेप्चुअल जो है क्वेश्चन सीरीज बनता है, तो बिल्कुल इसको आपको बहुत इंपॉर्टेंट वे में पढ़ना है, एक बार क्विकली रिवाइज करेंगे, ठीक है। फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल या अरस्तु, ठीक, इनको फादर ऑफ जूलॉजी या फादर ऑफ जो प्राणी विज्ञान है वो भी कहा जाता है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, तो कैरोलस लीनियस ने दिया था। इसका स्पेलिंग में थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो रही हूँ, तो एक बार इसकी स्पेलिंग में आपको यहाँ पे टाइप फॉर्म में मिल जाएगा, तो टेंशन की बात नहीं है। थर्ड जो क्वेश्चन वो क्या है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो आर एच विटेकर ने जो है वो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। एकमात्र सांप या स्नेक जो घोंसला बनाता है वो कौन है, तो भाई किंग कोबरा जो है वो घोंसला बनाता है। इसके साथ हमने इसका साइंटिफिक नेम भी देखा, नाजा नाजा जो है वो किंग कोबरा का साइंटिफिक नेम होता है, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एकमात्र रेप्टाइल जिसके पास चार चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, तो वो कौन है, हमारा मगरमच्छ या क्रोकोडाइल जो है वो है। नेक्स्ट हमने देखा कि क्विनिन नाम का एक ड्रग होता है जो कि मलेरिया को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है, तो ये कहां से मिलता है, तो ये शिनकोना नाम के एक प्लांट के ट्री के बार्क से या छाल से हमको मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट ने 1665 में सेल की डिस्कवरी की थी। फिर हम बात करते हैं कि सबसे छोटा सेल हम कौन सा जानते हैं, तो माइकोप्लाज्मा गैरिसेप्टिकम नाम का एक सेल जिसको हम PPNO भी बोलते हैं, वो सबसे छोटा सेल होता है और उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं तीन तरीके के प्लास्टिड्स प्लांट में पाए जाते हैं, कौन कौन से, क्लोरोप्लास्ट जो कि हरे रंग देता है, ये क्लोरोप्लास्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस में भी बहुत काम आता है। फिर बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट जो कि पंखुड़ियों को अलग अलग कलर प्रोवाइड करता है, और तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट जो कि कलरलेस प्लास्टिक होता है, ठीक। फिर हम 10वें नंबर पे देखते हैं कि सबसे कॉमन तरीके का डीएनए जो पाया जाता है वो क्या है, BDNA या बीटा डीएनए बोलते हैं इसको, और ये कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए की, कितने प्रकार के आरएनए होते हैं, तो तीन टाइप्स के आरएनए होते हैं, ठीक है, कौन कौन सा होगा, आरआरएनए जिसको राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं, टीआरएनए या ट्रांसफर आरएनए, और एमआरएनए या मैसेंजर आरएनए। फिर हम बात करते हैं नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन स्केलेटन की, ह्यूमंस का जो स्केलेटन है, जो सिस्टम है, उसमें पूरे के पूरे हड्डियां मिला के कितनी पाई जाती हैं, तो जो वयस्क या एडल्ट ह्यूमंस होते हैं उसमें 206 हड्डियां पाई जाती हैं, और जो इन्फेंट्स या जो नवजात शिशु होते हैं उनमें 300 हड्डियां पाई जाती हैं। समय के साथ कुछ मुलायम हड्डियां कठोर होकर 300 से 206 बनती है, ठीक है, पहले ज्यादा रहती है बाद में कम होती है। फिर हमने देखा कि प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जो है, पाचन क्रिया का जो प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो वो मुंह से या माउथ से स्टार्ट होता है, इसी को हम बकल कैविटी या ओरल कैविटी भी बोलते हैं। यहाँ पे एक एंजाइम सिक्रेट होती है जिसको सलाइवरी अमाइलेज बोला जाता है, और ये स्टार्च का सिक्रीशन शुरू करती है हमारे मुंह में। फिर हमने देखा कि ब्लड का जो पीएच होता है वो कितना होता है, तो 7.4 होता है, और हमको पता है कि 7 से ज्यादा यदि पीएच है, पीएच यदि 7 से ज्यादा है तो कैसा होगा, बेसिक होता है, और 7 से यदि कम होता तो क्या होता है, एसिडिक होता, और 7 रहता तो न्यूट्रल या उदासीन होता। 7 से कम में एसिडिक या अम्लीय, 7 से ज्यादा में बेसिक या क्षारीय, और 7 में न्यूट्रल या उदासीन होता है, ठीक है। तो जैसे ब्लड का कितना होता है, तो 7.4 होता है, थोड़ा सा क्षारीय या बेसिक प्रवृत्ति का होता है, जबकि जो वाटर होता है, प्योर वाटर, उसका जो पीएच होता है वो 7 होता है, न्यूट्रल होता है, इसीलिए वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोला जाता है। तो इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमने देखी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये,
ठीक है, फिर आप लोग इसको ध्यान से कीजिए, अच्छे से देखिए, और मिलते हैं फिर अगली क्लास में और भी क्वेश्चंस की सीरीज के साथ। और सपोर्ट में आप लोग कंजूसी नहीं करोगे भाई, आपका सपोर्ट मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज अपना सपोर्ट बना के रखिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, ओके।